अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो दावतों का दौर चल ही रहा है माशाल्लाह। जी ठीक है। एक तो पतिरा का एक्सपो होने जा रहा है माशाल्लाह, उसकी दावत दे चुके हैं हम लोग। दूसरा हमारे भाई रहमान भाई का एआरएम का रीओपनिंग है, उसकी दावत दे चुके हैं हम छोटे मियां गुड फार्म। जी 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 जी। सदर साहब के सामने पूरी भिवंडी को माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आए हैं शानू भाई, जैन भाई, सोहेल भाई, अजीम भाई, रिजवान भाई के यहाँ पर माशाल्लाह, है ना। तो क्या है थोड़ा सा बताइए आप इनको भी और दावत दे। आसिम भाई ऐसा है कि ऑलरेडी आपने पहले देख सुन चुके हैं, पर यहाँ पर ही मैं ऑलमोस्ट सबको इन्वाइट कर रहा हूँ। 23 तारीख को मेरी रीओपनिंग है, मतलब हमने जो फार्म पहले हम रेंटल पे चला रहे थे वो फार्म परचेज कर लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मतीन मुल्ला जो उस फार्म के ओनर है जिन्होंने उनको जगह को खरीदे वो मेरे साथ में जुड़ के हम लोग इंशाल्लाह मतीन मुल्ला के साथ में ज्वाइंट वेंचर एआरएम का एक कॉम्बिनेशन हम लोग अभी रन करने वाले। वो मेरे साथ तो पुराने अभी नहीं है, वो पुराने से मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन अब फार्म नॉ रेंटल मेरा खुद का हो गया। तो इसके लिए हमने रीओपनिंग का प्लान किया और 23 तारीख इसलिए रखी कि 23 तारीख को उनके बेटे का बर्थडे है माशाल्लाह, तो वो उनके लिए बहुत लकी डे है, पहली औलाद है उनका, बच्चा है तो उनका वो लकी डे, तो वो दिन पे हमने प्लान किया कि उसी दिन हम उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट, हमारा ओपनिंग भी होगा, हमारा सारे बकरेबाज जितने भी लोग आएंगे और वो भी बहुत बड़ा बकरे का शौकीन, तो ये डेट हमने प्लान किया 23 तारीख को। तो वो सभी को शिरकत करना है, जितने भी हमारे आस पास बकरेबाज है, जितने भाई लोग भिवंडी के, सभी को शिरकत करना है। आसिम भाई और आप बोलो और क्या करना चाहिए। जैसे कि आपने तो बहुत धमाके देते ही रहते हो आप जी माशाल्लाह जी, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए आप और क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो हो गए बकरेबाजों को दावत। ओके। एक आम आदमी जो बकरा पलाई पे रखता है वो उस दिन क्यों आए वहां पर। आसिम भाई आपने एक बात बोल दी है, तो फिर अपन एक अनाउंसमेंट आपके लिए भी कर लेंगे कि आसिम शेख चैनल से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी क्लाइंट मेरे फार्म पे आता है, जब मैं आसिम भाई का वीडियो देखा और मैं उनका सब्सक्राइबर हूँ, तो वो अगर मेरे पास फार्म पे आके बकरा खरीदता है एक्स वाई जेड जो भी बकरा खरीदता है, तो उसको 1 महीने की पलाई फ्री, मतलब अच्छा मतलब बाहर से भी बकरा खरीद के आपके पास भेजेंगे वो लोग। हाँ। जैसे जैन भाई बेचते हैं, शानू भाई, सोहेल भाई और जी 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 जी, जी हाँ। तो पहली महीने की पलाई फ्री रहेगी। और 1 महीने की पलाई मतलब फर्स्ट महीना पलाई फ्री दूंगा तो लोग मेरा पालेंगे और लेके चले जाएंगे। हाँ। तो वैसा नहीं होता है, पूरा बकरी तक जो रहेंगे, जैसे बकरी को 7 महीना है तो 1 महीना आपको नहीं देना है। आपको जी बाहर से भी आएंगे तो भी आपके चैनल के थ्रू, जब शानू भाई कैसे आए कहीं से भी आए आपका भी वीडियो देख लेके, हमने आसिम भाई का वीडियो के चैनल पे और इनके वहां से बिका, शानू भाई रिकमेंड किया रहमान भाई के वहां पर, तो वो 1 महीना पलाई। क्या बात, जैन भाई ने रिकमेंड किए 1 महीना पलाई फ्री, रिजवान भाई ने रिकमेंड किए पलाई फ्री, जो भी रिकमेंड करे उनको 1 महीने की पलाई हम लोग फ्री दे देंगे। जितने बकरे आए 100 आए 200 आए जितने सबको फ्री, 500 आए अल्लाह के लिए जितना भी आए। रिजवान भाई भी बैठे हैं हमारे लाइव विद एनिमल, इनके लिए भी आप कुछ ऑफर देना चाहेंगे। रिजवान भाई के लिए चलो एक चीज मैं इसको नए एग्जीक्यूट करने वाला था, मतलब सोचूंगा बट आज जब साथ में बैठे तो रिजवान भाई के तरफ से लाइफ विद एनिमल मैं बोलूंगा, वो अगर उनके चैनल के थ्रू हमारे पास बकरे आते मलाई पे तो वो 1 महीना का फ्री तो आपके थ्रू मैं दे चुका हूँ। हम जो कस्टमर कहीं से भी आता है बकरा मलाई पे अगर मेरे फार्म पे एंटर करता है और उसकी मोर्टेलिटी होती है तो मैं उस कस्टमर को 400 रुपए किलो से, हम उसको जो भी वेट रहेगा लास्ट मंथ का जो भी वेट रहेगा, जैसे 1 महीना पहले हमने इसको वेट किए थे या 15 दिन पहले वेट किए थे, 60 किलो था, 20 किलो था, उस पैसा मैं 400 रुपए किलो से उनको रिफंड कर दूंगा। इट्स अ बिग रेवोल्यूशन इन गोल्ड इंडस्ट्री। 20,000 रुपए वो 20,000 का वो शानू भाई से दूसरा बकरा लेके मेरे को पलाई बेच सकता है या जैन भाई से लेके बेच सकता है, किधर से भी लेके बेच सकता है। ये सेकंड डे से चालू होगा कि कुछ महीने बाद से, ये बकरा आया और पहले 15 दिन हम लोग उसका टेस्ट करेंगे, 15 दिन बाद हम लोग सेट किए, 15 दिन बाद कुछ भी अगर बकरे को होता है तो हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। 400 रुपीज केजी से हम उसको उसका रिफंड करेंगे, वो मेरे से ले कहीं से भी ले, वो पैसा लेके जाए, वो उससे बकरा खरीदे और क्या करे, शौक नहीं खत्म होने सामने वाले का। हम 400 रुपीज 100 किलो का बकरा भी रहेगा 100 किलो का तो भी हम उसको दे देंगे। और ये दिसंबर तक की है, ये दिसंबर की 31 तारीख तक का ये स्कीम है। 15 दिन बाद 16वें दिन में आपके, अगर 16वें दिन में कुछ होता है आई एम रिस्पॉन्सिबल, 17वें दिन कुछ होता है
आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं एक्चुअली इनकी बात से सहमत हूँ, 15 दिन तो लगते ही हैं सेट करने के लिए उसको, ठीक है। तो फिर कैसा होगा कि एक इंसान को मालूम है मेरे कुत्ते वगैरह बीमार चला, चलो लेके चले, वो तो चेक करके लिया जाए। नहीं नहीं, हाँ बीमार वगैरह मैं नहीं लूंगा, ये बात क्लियर करूंगा, कोई निमोनिया वगैरह दे रहा है, नॉर्मल सी कोई, हाँ कोई बीमार वगैरह दे रहा है तो वो नहीं होगा। बगरा चेक होगा, फिट एंड फाइन, ओके थंबनेल के आपका बगरा फिट सेट है, 15 दिन तक में, 16 दिन में कुछ हुआ, 17 दिन में कुछ हुआ, We'll be refunding the amount of whatever weight उसका हमारे फार्म पे है। जब भी आप बकरा भेज रहे हो जी, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैं ये वाली स्कीम में भेज रहा हूँ। यस 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 जी, शॉक को एकदम अलग लेवल पे जाने वाली बात है। करो शॉक, करो लेके जाओ, मैं तो चाहता हूँ नॉर्मल आदमी लेता है बेशक, और उसके लिए अगर कुछ होता है तो बहुत बड़ी बात है। जी बराबर, शौक खत्म हो जाता है उसका, मायने रखता है, मायने रखता था। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा इन्होंने रिवॉल्यूशन लाए थे जी, ये भी लाए थे जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है। उनको मुबारकबाद दूंगा, देखो ये बनाना ना अलग चीज है, वाले फार्म केज भी सब बना लेंगे, ये चीज मायने रखती है, ग्राहक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट। ये हमेशा ग्राहक के लोगों के लिए ही, तो भाई अपन जो काम करे वो तो लोगों के लिए ही होना चाहिए, मतलब ये समझ लो। बेशक बेशक, देखो शॉप दे सकते हैं, शॉप बढ़ेगा तो पलाई बढ़ेगी, पलाई बढ़ेगी तुम्हारा काम बढ़ेगा बस। सबसे बड़ी चीज है कि एक नया आदमी ये काम नहीं कर रहा है। हाँ इसको बकरे तो इनको ऐसे भी आ जाएंगे। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। मेन बात ये है कि कोई नया आदमी ये काम नहीं कर रहा, पुराने आदमी ये बात कर रहे, बहुत बड़ी बात है। वाह, जितना हो सके हमारे यहाँ से बकरे आएंगे इंशाल्लाह। और मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरे पास माशाल्लाह अभी भी 150 बकरे फार्म पे है, तो जिनकी मेरे पास पलाई पे है वो ऐसा नहीं बोलेगा भाई हम भी ऑफर में नहीं, तो आप लोग भी इसमें आ गए भाई, आप लोग भी इस ऑफर में आ गए, उन लोग भी आ गए। वाह, उन लोग भी आ गए, आज से जब वीडियो जिसे आसिम जी का जाएगा तो आज से उनको भी ये ऑफर दिया जाएगा, मॉडलिटी भी दिया जाएगा उनको, और उनको वो भी दिया जाएगा अपना पलाई जो मेरे पास पलाई में रखे उनको ले भी आज से, ये जो आज वीडियो आपका जब भी अपलोड होता है तभी से। देखा जाए तो 150 लोगों का तो स्कीम चली गई करेंगे, यानी कितने हो गए 4.5 लाख रुपए इन्होंने बस बोलते गवा दिए। बहुत कुछ कमाए, अल्लाह देने वाले साथ अल्लाह की है, जो देगा अल्लाह देगा, उसका तो रिफंड अल्लाह देगा, और आगे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं एक चीज जहाँ तक देखा हूँ, आज अपन काम कर रहे हैं, पूरा जो दार मदार है देखो इंसान की नियत के ऊपर है। अगर ये देखो 150 तो आ चुके हैं, उनको ऑफर देने की जरूरत नहीं है देखा जाए, नहीं नहीं पास, लेकिन ये उनको भी दे दिया वो बड़ी बात, उनको उनकी लॉयल्टी का बेनिफिट मिला, जब इनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने 150 दिए थे ना, उनका बेनिफिट है। जो मेरे पास है लोग, सोहेल भाई आप भी कुछ बोलिए, आप सिर्फ शौक हो गया शायद। नहीं नहीं, पहला बकरा इनके पास ही पाले थे, तो आप सोच रहे ये मेरे को क्यों नहीं मिला होगा, मतलब इनसे मैं काफी कुछ जैसा कि लोगों से कैसी बात करना चाहिए, लोगों को कैसा कनेक्ट करना चाहिए, बराबर एंटरटेनमेंट कैसे देना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कैसा रखना चाहिए, काफी चीजें मैं रहमान भाई से सीखा हूँ। जी जी, मेरे पास इनके लिए कोई अल्फाज नहीं है, रहमान भाई हमेशा बेस्ट ही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनका शौक में बोलना चाहूंगा, सिम्बा वगैरह मेरे पास फ्लाई पे था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जब उसकी रवानगी किए थे वो मैं आपको पर्सनली वीडियो भेजूंगा, वो हारों के साथ रवानगी किए, तो ये शौक बड़ा शौक इसको बोलते हैं। मैं आज क्यों बोलो पैसा दे रहा हूँ या मैं ऑफर दे रहा हूँ, कि बकरा जब कुर्बानी के लिए जाता है अलग खुशी होती है लोगों को, भाई मेरा फार्म पे बकरा आ रहा है, वो फूल पिना के उसको बाकायदा धमाल मस्ती से इंजॉयमेंट करते करते उस बकरे को अपने घर पे लेके गए, तो यार शौक शुरू हुआ और आज ये बंदे धंधे में आ गए। तो जिसको रियल शौक है ना वही ये धंधे में घुस सकता है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो घुसेगा तो वो नहीं कमा पाएगा। अगर आपको बकरे का शौक है लेंडी में आप सो सकते हो, पेशाब में आप बैठ सकते हो, बास बोले तो कपड़े में आप घर पे जाके अपनी औरत को बोल सकते हो आई लव यू डार्लिंग, तो फिर आप धंधे में आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते भाई। बिक्री काफी साल में कब बढ़ा कब घटा, जब मॉर्टेलिटी बढ़ती है यकीन जानो ग्राफ गिर जाता है, ये चीज का मतलब वो होना चाहिए,
खुद में कि मैं कोई भी चीज लेके उसको इंशाल्लाह सेट कर सकता हूँ। ये डेयरिंग होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डॉक्टर्स की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आप उन्होंने ये भी इनिशिएटिव लिया कि 15 दिन में हम लोग इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह करो तो हासिल होता है। भाई आपको भी पता है बहुत जगह शूट करने आते हैं, बहुत फार्म पे शूट करते हैं, शायद पहली बार ही होगा मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनका फार्म का जो इनॉग्रेशन है री इनॉग्रेशन जी वो होने से पहले इनका इंशाल्लाह पूरे केज भर जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि भाई के भी वीडियो है हमारे और आप लोग भी शायद वीडियो में ये बोल सकते हो कि भाई उनको दो फायदा है तुमको। बस 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 आए तो ये पहली बार होने वाला है इनॉग्रेशन से पहले फार्म फुल जी जी। अल्लाह देने वाली जात है भाई, मैं भलाई का लालची नहीं हूँ, बस मैं शौक करना चाहता हूँ और शौक ना लिमिट दिसंबर की 31 तारीख तक कितने ही बकरे है कोई लिमिट नहीं। फिर हम बनाएंगे हम स्केच 150 के तो रेडी रखा हूँ मैंने कि लाओ 150 के खाली रखा पूरा बना के रेडी है लाओ। अरे अल्लाह देगा बस अल्लाह देगा बस आप लोग का साथ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, रिक्वेस्ट है सब बहुत अच्छे स्कीमर ट्राई करें और शानु भाई कैसा है। लेकिन मैंने एक चीज मैंने रिस्क भी इसलिए लिया हूँ, मैंने भिवंडी में लास्ट 1.5 महीने से एनालाइज कर रहा हूँ कि भिवंडी के अंदर भी लोग अब बकरे सेट करके बेच रहे हैं, माशाल्लाह ट्रीट करके बेच रहे हैं। पहले का जो ट्रेंड था आज से चार महीने पहले का ट्रेंड था कि बकरे आ रहे थे लेकिन अब लोग रुकाते भी है, कुछ ट्रीटमेंट भी हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बकरे फ्रेश दिख रहे हैं। मैं अभी जहां पर विजिट भी कर रहा हूँ मेरे को फ्रेशनेस दिख रही है बकरों के बराबर कि बकरे खा रहे पी रहे जो ना माशाल्लाह। अभी भी आया मैं तो फ्रेशनेस दिख रहे, एक का दुख का सब जगह चलते रहता 19-20 लेकिन बकरे फ्रेश दिख रहे। ऐसा नहीं कि बूढ़े के बड़े झुंड गिरे पड़े। तो मैं ये ट्रेडर लोग के लिए भी एक एडवांटेज है कि भाई आप बेचो चीना ठोक के बैठाओ मैं संभाल लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह बड़ी जात है, अल्लाह इंशाल्लाह हमें कामयाब करेगा इंशाल्लाह। और जो बीमार बीमार बकरा रहेगा 2,000-4,000 कम में हम भी कसाई को देंगे तुम्हारे दरवाजे में नहीं भाई बराबर लोग कोई ये ना हो कि बस रहमान मैंने बोले दो बेच के चलो बेच दे जाओ नहीं बराबर सही बात। 2,000-4,000 रुपए चलिए रहमान भाई ने दिल जीत लिया माशाल्लाह शुक्रिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत है क्योंकि मेरे से डिस्कस कर रहे थे ये तो अभी दो स्कीमें और काफी अभी इनॉग्रेशन नहीं मालूम पड़ेगा। ये स्कीम फायदे से सब जगह लागू हो जाएगा जी जी बहुत काम बढ़ेगा। बस बस अगर तुम लोगों का शौक बढ़ाओगे फिर तुम्हारे पास जगह कम पड़ जाएगी वाह ये तो मैं जानता हूं सब कुछ आ जाएंगे इसमें सब सही है। मैं तो चाहता हूँ पूरी भिवंडी की जितने भी ट्रेडर्स है मेरे साथ में जुड़े इंशाल्लाह मैं और बहुत कुछ करना चाहूंगा। के दिन आप यहाँ पर एक बेंच आपका लगवा देंगे हम लोग जी जी खरीदेंगे टेम्पो ही जाएगा जुम्मा के दिन वही बोला इंशाल्लाह इंशाल्लाह डन चले बहुत बहुत शुक्रिया जजाकल्ला डन। चलिए वीडियो आप ही खत्म करें आपकी स्टाइल में मेरी स्टाइल में खत्म करो। मैं वही लोगों को बोला था कि भाई ये अलविदा लेते सारी भिवंडी की टीम से अलविदा लेते आसिम शेख से भी बट जाते जाते मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि भाई मैं गिरा मैं फिर से उठा और इस बार इंशाल्लाह ऐसा उठा कि आप लोग की दुआ से फिर मैं वापिस नहीं गिरूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़ सुबह वापिस और पूरी भिवंडी की टीम से थोड़ा स्पाइसी।